आखिर क्या है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामला? क्यों इधर रेड उधर रेड, यहाँ छापा वहाँ छापा, हर जगह छापे पर छापा, तो क्या फंस गए दिल्ली के डिप्टी सीएम साहब? क्या होगी गिरफ्तारी? जी, एक तरफ रेड पर रेड और दूसरी तरफ सियासी तूफान, मगर सवाल सबसे बड़ा ये कि ऐसा कौन सा मामला है मनीष सिसोदिया पर जिसको लेकर वो जांच की रडार पर आ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले उस मामले की पूरी ABCD को समझ लीजिए, कब कहां और कैसा है ये मामला। दरअसल इस मामले की शुरुआत होती है दिल्ली की नई आबकारी नीति को लेकर, वो नीति जिसके जरिए नई पॉलिसी में होटल के बार, क्लब्स और रेस्टोरेंट को 3 बजे तक खोले जाने की छूट दी गई थी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार का दावा था इससे राज्य का राजस्व बढ़ेगा। फिर ऐसा क्या हुआ कि जांच की आंच मनीष सिसोदिया तक पहुंच गई? अब वो भी देखिए, चीफ सेक्रेटरी ने दिल्ली के LG को भेजी गई रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा था, नई एक्सरसाइज पॉलिसी को लागू करने में कई तरह के गैर वाजिब फायदे पहुंचाने के लिए भी जानबूझकर बड़े पैमाने पर तय प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया। अब आइए जान लेते हैं कि केजरीवाल सरकार के नंबर 2 डिप्टी CM मनीष सिसोदिया पर आरोप है क्या। दरअसल आरोप ये कि कैबिनेट को भरोसे में लिए बिना तमाम नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर इससे जुड़े कई फैसले ले लिए गए, यहाँ तक कि कैबिनेट से ये फैसला भी वापस करवा लिया गया कि अगर पॉलिसी को लागू करने के दौरान उसके मूलभूत ढांचे में कुछ बदलाव करने की जरूरत हो तो आबकारी मंत्री ही वो बदलाव कर सकें। हालांकि तत्कालीन LG ने कैबिनेट के इस फैसले को लेकर सवाल उठा दिए, जिसके बाद 21 मई को हुई कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला वापस ले लिया गया। लेकिन आरोप ये है कि इसके बावजूद एक्सरसाइज विभाग मनमाने तरीके से फैसलों को लागू करता रहा। बाद में जब लगा कि जांच में गड़बड़ी सामने आ जाएगी और चीफ सेक्रेटरी ने भी अपने नोट में इसका जिक्र कर दिया, तो आनन फानन में एक और फैसला लिया गया। इन फैसलों को कानूनी जामा पहनाने के लिए 14 जुलाई को दोपहर 2 बजे कैबिनेट की एक अर्जेंट बैठक बुला ली गई, जिसका नोटिस खुद चीफ सेक्रेटरी को उसी दिन सुबह 9:30 बजे भेजा गया, जबकि ये प्रक्रिया पहले की जाती है। कैबिनेट में किन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है उसके संबंध में कोई कैबिनेट नोट भी सर्कुलेट नहीं किया गया था, जो कि अपने आप में नियमों का उल्लंघन माना जाता है। मीटिंग खत्म होने और फैसला लेने के बाद शाम 5 बजे LG सचिवालय को एजेंडा और कैबिनेट नोट भेज दिया जाता है, जिसके बाद ये पूरा बवाल शुरू होता है। रिपोर्ट में एक्सरसाइज विभाग के शराब विक्रेताओं को 144 करोड़ से ज्यादा की रकम के लाइसेंस फीस माफ कर दिए जाने पर गंभीर सवाल उठते हैं। अब जान लीजिए मनीष सिसोदिया पर CBI के छापे मारने के पीछे का कारण क्या है। दरअसल CBI ने ये कार्रवाई दिल्ली सरकार की एक्सरसाइज पॉलिसी को लेकर की है, ये तो आप समझ गए, लेकिन दिल्ली का एक्सरसाइज विभाग मनीष सिसोदिया के अधीन है। ऐसे में मनीष सिसोदिया की रजामंदी और उन 11 अधिकारियों को ऑर्डर देने को लेकर किसका क्या रोल था, सवाल ये खड़ा होता है। सवाल ये भी कि ठेकेदारों से लाइसेंस की फीस तय रकम से कम क्यों ली गई। सवाल ये भी कि कुछ ठेकेदारों की फीस माफ क्यों की गई। एक्सरसाइज एक्ट में सिर्फ विदेशी शराब पर कुछ परसेंट डिस्काउंट होता है, लेकिन बड़ी तादाद में डिस्काउंट से किसको फायदा देने की कोशिश हुई। इन्हीं सब सवालों का जवाब CBI जानने की कोशिश करेगी। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या CBI के शिकंजे में फंस गए डिप्टी CM साहब, और होगी क्या मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।